नमस्कार दोस्तों, एलन मस्क एक ऐसे इंसान थे जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने इस दुनिया में प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल कर दिया। किताबों में उनकी रुचि इतनी थी कि अपनी स्कूल की एक छोटी सी लाइब्रेरी को उन्होंने एक साल में ही पढ़कर खत्म कर दी और नई किताबों की अक्सर प्रतीक्षा किया करते थे। उनकी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक उन्हें इतना अद्भुत और प्रभावशाली इंसान बना दिया कि उन्होंने कभी पीछे मुड़के नहीं देखा। किताबों को पढ़ने की रुचि के साथ साथ वो कंप्यूटर में भी अपना दिलचस्पी दिखाने लगे और लगभग 10 साल की उम्र में लगभग वो कंप्यूटर चलाना सीख लिए थे। मात्र 12 साल की उम्र में एक छोटी सी प्रोग्रामिंग सीखकर एक ब्लास्टर नाम का एक ऑनलाइन गेम बना डाला और उस गेम को उन्होंने एक पीसीएस टेक्नोलॉजी नामक की कंपनी को $500 में बेच भी दिया। बता दें कि ये हैरानी कर देगी, इनकी एक प्रोग्रामिंग जो बिना किसी टीचर, बिना किसी कोचिंग, बिना किसी हेल्प के वजह से बनाए थे। अगर बात करते हैं कि यह 17 साल की उम्र में एलन मस्क ने क्वीन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई शुरू कर दिया और वहां मात्र 2 साल पढ़ने के बाद पेनिसिविलिया नामक विश्वविद्यालय में शिफ्ट भी हो गए। उसके बाद सन 1995 में एलन मस्क पीएचडी करने के लिए कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। लेकिन आपको हैरानी तब होगी जब वो पीएचडी करने कैलिफोर्निया पहुंचे। मात्र वहां केवल 2 ही दिन उन्होंने रिसर्च में अपना बिताया और पढ़ाई छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि वह इससे बेहतर काम कर सकते हैं, यह जॉब के लिए नहीं बने हैं। एक समय था जब वो बुक्स हुआ करती थी जिसमें अलग अलग विषय की जानकारियां होती थी, लेकिन उसकी कुछ कीमत थी जिसे हर कोई नहीं पढ़ सकता था और उस समय इंटरनेट इतना ज़्यादा यूज नहीं होता था। लेकिन इंटरनेट के प्रयोग से एलन मस्क समझ गए थे कि इंटरनेट इतनी ताकत है, इतनी ताकतवर है कि आगे चलकर क्रांति